चलिए सो गाइस, अभी तक क्या आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व कर लिया है? एक और इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट सीख रहे हैं, राइट? तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप लोगों के लिए रहा ये आपके स्क्रीन पर, इसका सोल्यूशन। सो कॉन्सेप्चुअल अभी तक हम बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो पूरा फोकस करेंगे सोल्यूशन करने के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग हैडिंग दे देते हैं जिस भी कंपनी के बुक में हमने बनाना है, इन दी बुक्स ऑफ कौन सी कंपनी के बुक में बनाना है। तो यहाँ नाम दिया हुआ है आपको अमृत लिमिटेड, तो इन द बुक्स ऑफ अमृत लिमिटेड क्या बनाने वाले हम लोग, तो हम लोग बनाने वाले हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एंड ये कौन सी डेट के लिए बनने वाला है, तो ये बनने वाला है एज ऑन 31 मार्च 2014 एंड 2015, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर, जहां हम लोग सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करते हैं। उसके अलावा आप लोगों को 31 मार्च 2014 का एक बैलेंस लेना है जो कि हमारे लिए बेस ईयर रहेगा, एज वेल एज इसके बाद आप लोगों ने 31 मार्च 2015 का बैलेंस लेना है जो कि हमारे लिए करंट ईयर होगा। एंड फिर आप लोगों ने एब्सोल्यूट चेंजेस निकालने हैं। आपने क्या निकालने हैं? एब्सोल्यूट चेंजेस निकालने हैं। एंड जो लास्ट कॉलम बनेगा वो रहेगा जी आपका परसेंटेज चेंज का, कि कितना परसेंट का चेंजेस हुआ है। तो लास्ट कॉलम रहेगा आपका परसेंटेज चेंजेस को लेकर। चलिए सो अगर मैं एज एक एक करके अगर सारे आइटम्स को यहाँ नोट डाउन करते हुए चलूँ, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर आप लोगों को जो सबसे पहला एंड द फोरमोस्ट हेड कंसीडर्ड करना है वो है आपके पास शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले आप लोगों के पास है शेयर होल्डर फंड्स, कि हमारे इस बैलेंस शीट में हमारे शेयर होल्डर्स का ओवरऑल कितना पैसा इन्वेस्टेड है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो दोनों लिख लेते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल भी और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस भी। तो अमाउंट सबसे पहले 2014 की लिखना है, फिर 15 की, तो 15 लाख एंड 20 लाख, राइट? ओके, उसके अलावा 14 लाख, 14 लाख एंड 13 लाख, 13 लाख। उसके अलावा आगे और बढ़ते हैं तो हमारे पास जो दूसरा हेड दिया हुआ है वो दिया हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड दिया हुआ है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप लोगों को सबसे पहले गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। किसके बारे में गिवन है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के बारे में गिवन है। साथों साथ लिखते चलिए आप भी मेरे, 19 लाख, 16 लाख, ये आपको दो फिगर क्या थे? गिवन थे, का बेस ईयर के और करंट ईयर के। लास्ट आप लोगों को गिवन है करंट लाइबिलिटीज। लास्ट आप लोगों को एक और हेड गिवन है करंट लाइबिलिटीज, जिसके अंदर आप लोगों को दिया गया है ट्रेड पेएबल। जिसके अंदर क्या दिया गया आप लोगों को? ट्रेड पेएबल, जिसकी अमाउंट आती है 2 लाख एंड 3 लाख। चलिए तो ये हो गया आप लोगों की कुछ लाइबिलिटीज को लेकर इंफॉर्मेशन। अगर हम इन लाइबिलिटीज की टोटल मार दे तो आपको टोटल जो लाइबिलिटीज गिवन है कितनी गिवन है, तो टोटल 2014 के अंदर आप लोगों को गिवन है 47 लाख, जबकि 2015 के अंदर टोटल गिवन है 55 लाख। तो ये आपकी क्या निकल गई? टोटल लाइबिलिटीज। क्या निकल गई आपकी? टोटल लाइबिलिटी। इसी तरीके से आप लोगों को असेट्स के बारे में भी जानकारी दी गई है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी गई है। चलिए सो वन बाय वन असेट्स की भी अगर हम बात कर ले, तो एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास कौन सी एसेट्स को हम कंसिडर्ड करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स में लिख लेंगे नॉन करंट असेट्स के बारे में। सबसे पहले हम कौन सी असेट्स के बारे में लिख लेंगे? नॉन करंट एसेट्स। मतलब ये इसके अंदर आपको क्या लेना है?
फिक्स्ड असेट्स, इसके अंदर आप लोगों ने क्या लेना है, फिक्स्ड असेट्स। एंड फिक्स्ड असेट्स को फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पहला तो टेंजिबल असेट्स और दूसरा इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स एंड अनदर इज इनटेंजिबल असेट्स। चलिए तो जल्दी से मुझे बताइए आप लोग देखकर कि आपके पास कितना टेंजिबल और कितना इनटेंजिबल है। तो लास्ट ईयर हमारे पास 15 लाख का था, 15 लाख का, एंड दो उसके बाद 20 लाख हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर 16 लाख एक, एंड उसके अलावा 19 लाख इनटेंजिबल। इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन में करंट असेट्स के नाम से भी असेट्स गिवन है, तो अगर हम करंट असेट्स की बात करें, करंट एसेट्स, सो करंट असेट्स के अंदर आप लोगों को दो आइटम्स, दो एसेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला इन्वेंट्रीज, जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, इसकी अमाउंट गिवन है 14,14,00,000 एंड 13,13,00,000। उसके अलावा हमारे पास एक और एसेट्स गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहां अमाउंट आ जानी चाहिए 2,00,000 एंड 3,00,000, 2,00,000 एंड 3,00,000। सो अगर हम लोगों ने, अच्छा इसकी भी टोटल अगर कर दे तो यहां पर भी टोटल कितनी आनी चाहिए आपकी, तो यहां पर भी जो टोटल है वो आ जाएंगी लास्ट ईयर के इसमें 47,00,000 एंड करंट ईयर के इसमें आ जानी चाहिए आपकी 55,00,000। चलिए अब चेंजेस देखते हैं कितना चेंजेस हुआ, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो 20 लाख में से 20 लाख में से 15 लाख माइनस करेंगे 5 लाख आ जाएगा, एंड दिस 5 लाख इज डिवाइडेड बाय 15 लाख इनटू 100, सो आंसर विल बी 33.33%। उसके अलावा अगला है 13,00,000 माइनस 14,00,000, तो 13,00,000 में से अगर 14,00,000 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा आपका -1,00,000, एंड -1,00,000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100 अगर हम करने जाते हैं तो आंसर बिकम 7.14%। आफ्टर दैट 19,00,000 में से अगर 16,00,000 माइनस करते हैं सो बैलेंसिंग फिगर विल बी 3,00,000, एंड 3,00,000 डिवाइडेड बाय 16,00,000 इनटू 100, तो ये परसेंटेज आ जाता है आपका 18.75% इंक्रीज हो रहा है। एंड तो 3,00,000 माइनस 2,00,000 अगर आप करते हो तो आंसर आता है 1,00,000, एंड 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 इनटू 100 बिकम 50%, राइट। एंड 55,00,000 माइनस 47,00,000, तो डिफरेंस आ जाता है 8,00,000 का, एंड 8,00,000 डिवाइडेड बाय 47 इंटू 100, सो आंसर बिकम 17.02%। ऑन द सिमिलर टर्म्स, ऑन द सिमिलर मैनर्स आप लोगों को क्या भी फाइंड करना है, आप लोगों को एब्सोल्यूट चेंज, कितना चेंजेस हुआ वो पता करना है असेट्स में, एज वेल एज परसेंटेज में भी उसको कन्वर्ट करना है। तो 20,00,000 माइनस 15,00,000, तो अगेन 5,00,000 इज योर बैलेंसिंग फिगर, एंड व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज देन वी विल गेट 33.33%। एंड हाउ वी विल गेट 5,00,000 डिवाइडेड बाय 15,00,000 इनटू 100, ओके। आफ्टर दैट 19,00,000 माइनस 16,00,000, सो आंसर बिकम, डिफरेंस बिकम 3,00,000, एंड 3,00,000 डिवाइडेड बाय 16,00,000 इंटू 100, सो आंसर वुड बी 18.75%, करेक्ट। एंड आफ्टर दैट इन्वेंट्री इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ करंट असेट्स, एंड वेन वी आर फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट, करंट ईयर एज वेल एज बेस ईयर, सो इट बिकम -1,00,000। इट मीन्स आर इन्वेंट्रीज आर रिड्यूस बाय 1,00,000, एंड when we are converting this figure into percentage then we will get 7.14%, and this is in negative terms, okay. So after that 3,00,000 minus 2,00,000 we will get 1,00,000, and 1,00,000 divided by 2,00,000 into 100, so answer is 50%,
एंड ऑन द सिमिलर नोट्स ओवरऑल असेट्स इज इंक्रीज बाय 8 लाख एंड दिस 8 लाख इज डिवाइडेड बाय 47 लाख इंटू 100 सो आंसर बिकम 17.02% 17.02% ओके सो दिस इज कंप्लीट कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंपैरेटिव स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बैलेंस शीट ऑफ 2014 एज वेल एज बैलेंस शीट ऑफ 2015 ओके सो यू कैन टेक अ पिक्चर यू कैन ऑल्सो नोट डाउन ऑन योर नोटबुक ओके ऑन अ सिंगल स्क्रीन द होल सोल्यूशन इज अवेलेबल सो यू कैन टेक अ स्नैप ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट वेयर वी आर लर्न्ड अबाउट द बैलेंस शीट एज वेल एज वी लर्न्ड अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर है कंपैरेटिव बैलेंस शीट आप लोगों ने एज वेल एज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना है अब आगे की जो क्लास है उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम रहने वाला है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के बारे में चलिए तो स्टे ट्यून आगे मिलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करेंगे और ये आप लोग होमवर्क के क्वेश्चन जरूर कर लेना उसके अलावा आप लोगों को इधर भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस दिए गए हैं कहाँ से क्वेश्चंस दिए गए तो ये सारे क्वेश्चंस अभी आप लोगों को होमवर्क है ये क्वेश्चंस आपने एज अ होमवर्क करना है एग्जाम्पल नंबर 4 ये आपने एज अ होमवर्क करना है कुछ डाउट्स है तो आप लोग रेज कर सकते हो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट तो रेज करते ही है एज वेल एज ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी क्वेरीज रेज कर सकते हैं ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 and 7 एंड ऑल दीज क्वेश्चन ऑन द सिमिलर नोट्स ऑन द सिमिलर कंडीशन जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी गो थ्रू कर रखा है क्वेश्चन नंबर 1, 3 and 4 2 के ऊपर भी वैसे हमने डिस्कशन कर रखा है राइट तो चलिए आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में